वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? खरीद से ठीक ठाक हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ टाउन में और ये हम यहाँ मौजूद हैं। तो मैंने विज़िट कर लिया है, माशाल्लाह अच्छी सोसाइटी है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी आएँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और पूरा मैंने मैप दिखा दिया है आपको, तो जिसने भी रब्ता करना हो ये मेरा नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। नॉर्थ टाउन का फेज़ वन जो है, ये फेज़ वन का जो है ना पोजिशन पर चल रहा है ये, माशाल्लाह कर रहे हैं, खुल रहे, काम चल रहा है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ नॉर्थ टाउन फेज़ वन, जो मेन फोर के नीचे नियरेस्ट है ना, साइमा विलाज जो है उसके बिल्कुल बराबर में। इरशाद भाई के पास, इरशाद भाई जो है ना, ये माशाल्लाह मतलब बिल्कुल छोटे से होते थे ना, तो जब से मैं इरशाद भाई के पास आ रहा हूँ और इनसे शेव वगैरह बालों में करवाता हूँ, तो ये माशाल्लाह इनका कॉन्फिडेंस इतना है ना। जब मैं शुरू में फर्स्ट टाइम इनके पास आया तो दुकान में कोई भी नहीं था, अकेले इरशाद भाई, छोटे से बच्चे। तो मैंने कहा भाई वो तुम्हारा बड़ा भाई किधर है? तो इन भाई ने कहा कि वो तो काम से गया हुआ है ना। तो मैं चलो ठीक है बाद में आऊँगा। तो इन्होंने क्या कहा पता है? बोले यार आप मुझसे बनवाओ, ये इतने छोटे से थे, ये कंधे पर भी नहीं आ रहे थे मेरे। तो इन्होंने मुझे कहा कि यार कामरान भाई, अगर आप मुझसे वीडियो बनाए, आप मुझसे शेवे बनवाएंगे नहीं, आप मुझे मौका नहीं देंगे, तो मैं कैसे सीखूंगा, कैसे बढ़ाऊंगा? तो वो बात मेरे दिल पे लगी थी, मैंने नहीं, मैं आपको मौका दूंगा, आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहो बनाओ, कोई मसला नहीं, सीखो। ऐसी है शादी बिल्कुल। और माशाल्लाह आज ये जवान हो गए, शादी हो गई, इनके दो बच्चे हैं, समझ रहे हो। मैं अभी तक इनके साथ बनवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह शेवे बनवाते हैं, फिर आपसे रब्ता करेंगे, बताइएगा इरशाद भाई ने मेरी शेव अच्छी बनाई या नहीं। माशाल्लाह इन भाई ने जो है ना हमारी ज़बरदस्त चीज़ है ना फ्रिज बना दी है, आप बताएंगे फ्रिज मेरी सही बनी है या नहीं बनी, आप देखें माशाल्लाह फ्रिज बना दिया उन्होंने। अच्छा ये बताएं भाई, अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसको मेरे तवज्जो से क्या डिस्काउंट देके बताएंगे? आपके तवज्जो से हम 20 रुपए हर बंदे को छोड़ेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा अगर जहाँ 120 फ्रेंच के लेने तो 100 लेते हैं। वाह वाह क्या म्यूजिक। क्या बात है, देखिए 20 रुपए कम तो करें, आजकल जो है ना 20 रुपए भी कम करना, जो हालात चल रहे हैं ना उसके हिसाब से बहुत बड़ी बात है 20 रुपए कम कर दिए। और कटिंग वटिंग क्या करेंगे आप? हम कटिंग क्या कर, जहाँ 200 लेते तो 150 लेंगे। वाह क्या बात है, ये बहुत अच्छी ऑफर है। अगर आपने अपने सेटिंग करवानी हो तो ये मेन W9 का स्टॉप है, उसके अगले उससे एक कली पहले ही करें, कोने में बैठे हुए, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी कटिंग करते हैं। तो आपने जब भी करवानी हो आप ये अपनी मोहब्बत देखें, ये मुझे दिखाएं, ये भाइयों वाला है मेरा, हर किसी से क्या है बहुत अच्छा मैं कॉन्टैक्ट रखता हूँ, बड़ों से भी अच्छे से मिलता हूँ, छोटों से भी अच्छे से मिलता हूँ, क्योंकि आज के दौर में सब यहीं का यहीं रह जाएगा। अगर आप बलिदान खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया बलिदान, तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। अगर आप किसी से दो टोक अच्छी बात कर लेंगे ना तो वो आपको याद रखेगा, दूर से भी सलाम मिलेगा, कामरान भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक मज़े में है। और मैं घर आ चुका हूँ ऑफिस से, फ्रेश हो गया हूँ, नहा लिया है, मैंने बाल कटवाने थे और जो ना शेप बनवानी थी, मैंने फ्रिंज बनवानी थी, मैंने बनवा ली है। तो बस अब वेट कर रहा हूँ अज़ान का, कि अज़ान हो जाए, इसके बाद फिर नमाज़ पढ़ेंगे। बाज़ वक़्त ऐसे कैमरे के सामने खड़ो के बात करना इज़ नॉट पॉसिबल, हर कोई बंदा नहीं कर सकता, इज़ ट्रू, ठीक है, ये हर कोई बंदा नहीं कर सकता। मैंने बड़ी कोशिश करी, पहले मैं 6 महीने पहले से ना कोशिश कर रहा था कि यार मैं भी स्टार्ट करूं, लोगों को देखता था मैं भी स्टार्ट करूं, बैठ जाता था कि नहीं यार मेरे बस की बात, अजान हो रही है तो फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद, अजान हो रही है अजान होने के बाद नमाज के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। तो आपके लिए दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ करिएगा। टोपी ये मेरी बहुत अच्छी है, मुझे ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी जिन्होंने नाथ पढ़ी थी, दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। तो इंशाल्लाह फीडबैक मैं आपसे वापसी मिलता हूँ नमाज पढ़ने के बाद। आप लोगों से यह कहना चाह रहा था
तो बात दरअसल ये थी कि मैंने सोचा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि देखें, जब भी कोई काम बंदा स्टार्ट करता है ना, कोई भी काम स्टार्ट करता है, तो उसको बिल्ड करने के लिए सबसे पहला सहारा जो चाहिए होता है ना, जो पिलर बनते हैं, वो बनते हैं अपने आसपास के लोग। ठीक है, जब आसपास के लोग आपके पिलर बनते हैं, इसके बाद फिर बुनियाद डलती है, और जितने क्लोज लोग हैं, जितने करीब लोग होते हैं ना उनसे। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, शायद मैं कह नहीं पा रहा हूँ या समझा नहीं पा रहा हूँ, पर मुझे इतना पता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे लिसनिंग कर रहे हैं, वो माशाल्लाह बहुत समझदार है, मुझसे कई गुना आगे समझदार है। तो सिर्फ कहने की बात ये है कि आप लोग मेरी बात समझें कि मेरे जो अपने रिलेटिव हैं, मेरे अपने जो रिश्तेदार हैं, अब मसला कहने का मतलब है कि मेरे ब्रदर इन लॉ हो गए, मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें हैं, और मेरे अपने मामू हैं, ताया हैं, चाचा हैं, चाचियां हैं, तो ये सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब मिलकर मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, ठीक है, थम दें मुझे, थम दिल करें। मज़ा आया थम्दिल। तो उससे ये होगा कि आप लोग जब मुझे लाइक करेंगे ना, जब आप सब मुझे लाइक करेंगे, तो डेफिनेटली जब जैसे 16 लोगों ने मुझे लाइक करा, अब 16 लोग जब मुझे लाइक करेंगे तो वो अपने रिलेटिव को भेजेंगे, अपने रिश्तेदारों को भेजेंगे, अपने बहन भाइयों को भेजें, पे दड़कों के भेजें, क्योंकि मैं ऐसा ब्लॉग किंग करना चाह रहा हूँ कि हर बंदा अपने फैमिली में देखे और उसको अच्छा लगे कि यार कामरान बोल रहा था, और वहाँ मैंने छोटा सा देखा था उसको, इतना सा नहीं, इससे बड़ा देखा था। तो हर बंदा खुश हो देख के, नहीं चलो कोई बंदा कुछ कर रहा है, तो आजकल के लोग जो है ना खुश ही होते हैं, और जो खुश नहीं होते तो फिर अब उनके ना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोग खुश हों, मुझे देखें, कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, पर आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे, 100% चाहिए सपोर्ट, कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ बैकअप करते रहें, मुझे बैकअप करते रहें, कि कमान पिकअप मैं करता रहूँ, कुछ ना कुछ करता रहूँ, बोलता रहूँ, बस कुछ ना कुछ करता रहूँ। जहाँ गलती होंगी आप लोग मुझे टेक्स्ट करके बताएंगे, कमान तुमने यहाँ गलती करी, देखें मेरी गलती थी, मुझे लोगों ने कमेंट्स करके बताया, लोगों ने पर्सनली तौर पर मुझे कॉल करके बताया कामरान तुमने यहाँ मिस्टेक करी है, ये रॉन्ग, ये अच्छा नहीं है, मैंने ठीक है मैं इसको दुरुस्त करता हूँ। तो मैं आप लोगों से सीखूँगा, समझूँगा और आगे करूँगा। तो फिर अगेन कह रहा हूँ कि मुझे अपने रिलेटिव, अपने सारे आस पास के लोग, सबकी बेस्ट सपोर्ट चाहिए, कि आप लोग मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे पीछे सबको लोगों को घुमाते रहें, क्योंकि जब मेरे अपने जो मेरे गिव अप है ना, जो मेरा अपना मैं ऑन फील्ड काम कर रहा हूँ, तो जब वो मेरे लिए कुछ करेंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये यूट्यूब पे बहुत बिल्ड करेगा, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी बिल्ड करेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको करें, इसको थोड़ा सा लाइक करें, एसएमएस करें, ताकि मुझे इस चीज़ का एहसास होता रहे कि हाँ, जिन जिन को मैंने ये मैसेज कन्वे किया है वो मेरी बात को समझें, और उन्होंने मुझे थंबनेल भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है, तो यही होता है कि करेंगे तो अच्छा लगेगा, खुशी होगी मुझे, मेरा दिल बड़ा होगा कि नहीं मेरे अपने लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया तो मैं क्यों बैक करूँ। गैरों की तो मुझे पता नहीं है, गैर क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, जब अपने मुझे पास करेंगे तो ही गैर मुझे पास करेंगे ना, जब अपने ही मुझे रिफ्यूज़ कर देंगे, हाई शाई कर देंगे, बस वो, क्योंकि हर बंदा आजकल कराची में यार बड़ा मसला है ना, हर बंदा इतना मसरूफ़ है, उसके पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, तो टाइम मेरे पास भी नहीं है, पर मैं थोड़ा सा टाइम निकाल रहा हूँ कि चलो किसी में इंजॉयमेंट मिल रही है ना, करते रहो बस, बहुत पका दिया मैंने आप लोगों को, ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो बस उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, तो मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी जानने वाले हैं, जो ये मेरे चैनल देख रहे हैं, जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो वो खुद भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं, अपने रिलेटिव में भेजें, अपनी बहनों को भेजें, अपने सिस्टर को भेजें, अपने ब्रदर इन लॉ को भेजें, सबको भेजें, सबको शेयर करें, और सबको बोलें कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, फॉलो करें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको अपलोड होती रहे, और मैं और ज़्यादा शौक से वीडियो अपलोड करता रहूं, जहां भी 3 दिन में एक करूं तो वहां रोज़ाना एक करूं। तो आपको अपनी जितनी जो मेरे से हो सकता है, जो मैं करता हूं, जो रूटीन वर्क में, वो मैं आपको सब दिखाता रहूं। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझे होंगे, छोटी सी बात थी जिसको मैंने बहुत बड़ा बना दिया, तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे, और मुझे हर बंदा लाइक सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं डिनर पर।
ओके, ये आ गए हमारे प्यारे से गुड्डी मुन्ना अजलान, इनका नाम है अजलान और इनको तो आप जानते होंगे, ये हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से मुन्ने अजान अहमद, ये अजान अहमद है और ये अजलान अहमद है। खाना नहीं खाया क्यों, क्या बना आज क्या खाना बनाया आपका? आज समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? अच्छा बता दीजिए, बताओ क्या बना है? कीमा, काऊ कीमा, काऊ कीमा बना है। अजान आज आप क्या खाओगे? आलू गोश्त। अगर आपने कल आलू गोश्त खाया था ना, ओके अच्छा बाय बाय कर दो, ओके अल्लाह हाफिज़। बोलो अच्छा बोलो, अच्छा बोलो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो अच्छा बोलो, लाइक करें हमारे चैनल को, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।